चलो देखो जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल दो फटाफट से, इंटरवल। इंटरवल इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, आर बोले तो रियल नंबर्स। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा बच्चों, इंटरवल का मतलब क्या होता है सर? इंटरवल जैसे मूवी में क्या आ जाता है सर? एक ब्रेक आ जाता है। जैसे मान लो इंटरवल हो गया 10-15 मिनट का, क्या आ गया सर? ब्रेक हो गया। या इंटरवल का बीच में मैं बोल सकता हूँ कि सर जैसे मान लो दो नंबर्स थे, एक नंबर था 2 और एक नंबर था 4, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ गए सर? तो ये भी क्या होता है सर? इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं सर जी? इंटरवल। जैसे मान लो 4 माइनस 2, इसके बीच में कितने नंबर हो गए भैया? जैसे मान लो 4 माइनस 2 को छोड़ो, इसके बीच में अगर सिर्फ मैं बात करता हूँ सिर्फ नेचुरल नंबर की, तो एक नेचुरल नंबर आ रहा है, वो की क्या है? 3। तो बच्चों इंटरवल का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंस ऑफ टू टाइम, है ना? दो टाइम के बीच में क्या है सर? एक डिफरेंस है। जैसे मान लो मूवी का एक फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया और बीच में 15 मिनट का क्या हो गया? इंटरवल। फिर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा मूवी का? आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में इंटरवल का मतलब बच्चों एक तरीके से क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? डिफरेंस, ठीक है, इंटरवल का मतलब। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना मेरी बात सर, इसके अंदर अगर हम पढ़े सेट्स के अंदर बच्चों 3 इंटरवल्स की बात करिए, टोटल कितने इंटरवल्स की बात करिए सर? 3 इंटरवल्स की बात करिए बच्चों। एक होता है आपका ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। सेकेंड इंटरवल होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। कैसा होता है? क्लोज्ड इंटरवल। और थर्ड होता है आपका सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ऐसे करके आपके क्या होते हैं बच्चों? इंटरवल। अब पहले बच्चों बात करते हैं क्लोज इंटरवल। इसकी बात करते हैं सबसे पहले सर, क्लोज इंटरवल को समझ लेते हैं कि सर, चलो पहले ओपन इंटरवल को समझ लेते हैं सर। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। बेटा ओपन इंटरवल का अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला -4, मैंने नंबर बोला, मतलब एक एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि -4 से बड़ा और किससे छोटा है? 8 से छोटा है। बच्चों यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिखना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, मान लो नंबर्स लिखना चाहता हूँ, तो इनके नीचे इक्वल्स टू का साइन तो नहीं है? इनके नीचे किसका साइन नहीं है? इक्वल्स टू का। मेरी इरेज़र क्यों नहीं चल रही? इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने ऐसे मार्क करा, ठीक है। तो जैसे मान लो दोबारा से अगर मैं लिख लेता हूँ, -4 से ग्रेटर है एक एक्स और ये 8 से कम है, और इसके बीच में आपको क्या लिखने हैं? नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं। तो आप क्या बोलोगे आंसर? सर आप किससे साथ स्टार्ट करोगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आप इसको क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। बेटा यहाँ पे देखो 8 भी इंक्लूडिंग नहीं है, और मतलब -4 भी इंक्लूडिंग नहीं है, और 8 भी क्या नहीं है? इंक्लूडिंग नहीं है। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? ओपन इंटरवल बोलते हैं, जहां पे ये जो स्टार्टिंग नंबर है और ये जो एंडिंग नंबर है, ये क्या नहीं होते? कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते। पहली बात, इतनी सी बात समझो मेरी। तो बेटा इसको जो है ना, हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ध्यान से देखना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, मैंने यहाँ पे एक नंबर बनाया -4 और यहाँ पे एक नंबर बनाया 8। बेटा ध्यान से समझते जाना, यहाँ पर आपने क्या बनाया? एक सर्कल। यहाँ पे भी क्या बनाया? एक सर्कल। ध्यान से समझना, ठीक है, क्या बनाया? दोनों पे एक सर्कल बनाया। अब बेटा इनके बीच में जो नंबर्स है, ध्यान से समझना, मैंने इनको टच नहीं कर रहा, मैं अंदर वाली चीजों को टच नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ किसको टच करा है? सर्कल की बाउंड्रीज को टच करा है। देखो अगर मैं इसको टच करके बनाता यहां से ऐसे और यहां तक बनाता, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? -4 भी इंक्लूडेड है और 8 भी इंक्लूडेड है। लेकिन मैंने क्या करा, ध्यान से देखो दोबारा से, मैंने क्या करा है? मैंने सबसे पहले क्या करा, एक सर्कल बनाया दूरी पर, ऐसे सर्कल बनाए बड़े बड़े, और फिर बच्चों मैंने क्या करी, इस सर्कल के एंड से यहां से मैंने लाइन खींची, कहां तक? इस सर्कल के एंड तक। अंदर वाले पॉइंट्स को मैंने क्या नहीं करा, टच नहीं करा। तो अगर मेरे को ओपन इंटरवल को किसमें रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसे मैं इसको क्या कर सकता हूँ? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और बेटा इसको जब अगर मैं सेट्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ, मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स इज अ नंबर दैट बिलोंग्स टू,
बेटा यहाँ पे देखो, अभी तक हम कौन से ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे। अब ओपन इंटरवल के लिए हम ब्रैकेट्स करते हैं -4 और 8, ये वाले ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट्स का मतलब होता है सर, दिस इज व्हाट ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है बच्चों? ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पे मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं -4 को नहीं ले रहा और 8 को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ कौन से नंबर्स को ले रहा हूँ, -3 से लेके 7। या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स इज अ नंबर दैट बिलोंग्स टू, बेटा अब ब्रैकेट देख लो, ऐसे वाला ब्रैकेट -4 और 8 और ऐसे वाला ब्रैकेट। तो ऐसे हम ओपन इंटरवल को क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोलता, -4 इज दिस इज दिस इज दिस, अब क्या होता इसके अंदर? अगर मेरे को नंबर लेने तो क्या होता, -4 भी आता, -3 भी आता, -2 भी आता, -1 भी आता, क्या आता, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेटा अब ये क्या है, अब ये ओपन इंटरवल नहीं है, इसको अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल को, समझे मेरी बात? नहीं समझे? पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल अगर आप लिखोगे तो ओपन इंटरवल में लिखो, हेडिंग डालो जल्दी से, ओपन इंटरवल लिख लो मेरे साथ जल्दी से, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसके अंदर एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल -4 ग्रेटर लेस देन 8, ठीक है। इसकी नंबर लाइन की ध्यान से रिप्रेजेंटेशन करना, जैसे मैंने बनाई थी ना अभी नंबर लाइन, ऐसे इसको क्या करोगे, ध्यान से इसकी क्या होगा, बनाओ नंबर लाइन। ये क्या है? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है इसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अंदर टच मत करना, ना तो -4 को टच करना, ना 8 को टच करना, सिर्फ उनके ऊपर सर्कल्स बना के सर्कल से क्या करना, टच करना। बेटा इसके बीच में फाइनाइट नंबर्स है कि इनफाइनाइट नंबर्स है? अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो कैसे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में? इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने अभी तो सिर्फ इसके बीच में क्या लिख लेते हैं, इंटीजर्स लिख दिए थे, है ना, तो मैंने -7 और वो सब कर दिया था, तो इंटीजर्स तो कैसे हो जाएंगे, फाइनाइट। लेकिन अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो इसके बीच में जो रियल नंबर्स है वो क्या है बच्चों? इनफाइनाइट। और बेटा इसको देख लेना कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो चीजें है इसको रिप्रेजेंट करने की, साइन देख लेना ब्रैकेट्स के कौन कौन से यूज कर रहे हैं मैंने। तो बेटा ओपन इंटरवल्स के लिए कैसे ब्रैकेट्स बना रहे हो आप? या तो ये वाले ब्रैकेट्स बना रहे हो या फिर ऐसे वाले ब्रैकेट्स बना रहे हो। तो कैसे है ब्रैकेट्स? ओपन है, ओपन। दिल बहुत धीरे धीरे लिखता है यार तू तो। फिर दूसरा इंटरवल की बात करते हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, लिख लो मेरे साथ साथ क्लोज्ड इंटरवल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। बेटा यहाँ पे किसका साइन लगा हुआ है? इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। अब सर इसको जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से देख लेना बच्चों, ध्यान से। मान लो बीच में क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 3, तो मुझे सारे वो नंबर चाहिए जो 1 भी है और 3 भी है और इनके बीच में जो आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, 1 पे मैंने क्या बनाया, डॉट बनाया, ध्यान से देख लो जी। और फिर मैंने यहाँ पे भी 3 पे भी क्या बनाया, डॉट बनाया, दोनों के डॉट को मैंने क्या कर दिया सर, कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्लोज इंटरवल ऑन अ नंबर लाइन। और ओपन के लिए आपने देख लिया था सर्कल्स बना के आप लोगों को करना होता है सर इसको। ये तो क्या था आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये क्या था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर अगर है, हाँ समझा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ठीक है बेटा, ये जो सारे जो है ना कॉन्सेप्ट है, जो आगे आपका जो वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट आने वाले है और आगे जो कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं उनके लिए सारे बेस बिल्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं। बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ब्रैकेट, ये वाला लगेगा, कैसा लग रहा है, ये वाला ब्रैकेट 1,3, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल के लिए आप ब्रैकेट ऐसे वाले यूज कर, और इसका मतलब क्या होता है, अब अगर मैं इसके बीच में अगर सिर्फ नेचुरल नंबर लिखना चाहूं तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 1, 2 एंड 3, इसको बोला हमने क्लोज इंटरवल। ठीक है, लिख लिया ये। अब देखो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, जिसका नाम क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, देखो 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 देखो, मतलब इसके अंदर क्या चाहिए मेरे को, कॉम्बिनेशन चाहिए ओपन का भी और क्लोज का भी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लो देर इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन व्हाट, 2, बट इट इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओपन, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, क्लोज्ड हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जब आप नंबर लाइन जब बनाओगे तो कैसी बनाओगे, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे नंबर लाइन जब बनेगी तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा होगा कौन सा, 2, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा 4। 2 कैसा है, ओपन है, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, सर्कल, यहाँ पर क्या बनाओगे बच्चों, सर्कल, और ये कैसा है, क्लोज्ड, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, 4 के ऊपर डॉट, और सर्कल और डॉट को क्या कर दोगे बच्चों, ज्वाइन कर दोगे। तो ऐसे क्या रिप्रेजेंट करा आपने, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल को आपने क्या करा, रिप्रेजेंट। अच्छा अब इसको उससे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गई, एक्स बिलोंग्स टू कैसे दिखाओगे, ओपन के अंदर कौन सा साइन आता है सर, ये वाला साइन आता है, क्या दिखाओगे, 2,4, कौन सा साइन, ये वाला साइन। किसको, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, फिर कौन सा होता है जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ओपन, और जब इक्वल टू का साइन है तो क्या हो गया, क्लोज। बेटा यहाँ पर क्लोज्ड में हमें एंड पॉइंट पता है, हमें कहाँ पे रुक जाना है, 4 पे, तो ये क्या हो गया क्लोज्ड, इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पर, 4 है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, दूसरा साइन क्या होता है इसके लिए, 2, और इसके लिए तो ये वाला साइन होता है कौन सा, ये वाला। समझे नहीं समझे, तो दो वेज जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिख लो जी जल्दी से बेटा, देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ था, -4, लेकिन इसके अंदर किसका साइन नहीं था, इंक्लूडिंग का साइन नहीं था, मतलब ये कैसा था, ओपन के क्लोज्ड, ये था ओपन। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, -4 ओपन के लिए वाला ब्रैकेट लगता है, और यहाँ पर क्या था, 6 के अंदर इक्वल्स का साइन था, तो यहाँ पर 6 लगा के आप क्या करोगे, ये वाला साइन लगाओगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपने इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स के क्या होते हैं, इंटरवल, इंटरवल हमेशा किसका निकलेगा अपना, यहाँ पे रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, -12 में ना तो इंक्लूडिंग का साइन है, ना 10 में इंक्लूडिंग का साइन, मतलब उसका साइन है इक्वल का, तो आप क्या कर लोगे, 12, और क्या करोगे, -10, ऐसे करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखो यहाँ पे 0, 0 पे क्या, कौन सा साइन है, इक्वल्स का साइन है, और ये 7 की बात करें तो नहीं है, तो 0 के अंदर क्या लगाओगे, ये लगाओगे, और 7 के अंदर क्या लगाओगे, ये वाला ब्रैकेट लगा दो। कोई दिक्कत, परेशानी नहीं, सही कर रखा है, गलत कर रखा है, नहीं सही है, और यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, तो क्या कौन सा कराओगे, कौन सा लगाओगे, क्लोज। तो यहाँ पर ये भी 3 और ये 4, ऐसे। अब बेटा ध्यान से समझना, अभी आपने क्या करा, ये सब कौन सी फॉर्म में लिखे हुए थे, रोस्टर के सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में लिखे हुए थे, आपने किसमें कन्वर्ट करा, इंटरवल। अब ये नीचे वाले किसकी फॉर्म में गिवन है, मतलब इनको कन्वर्ट करना है तेरे को कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर, ये गिवन किसके अंदर है, इंटरवल। लिख के दिखाओ जल्दी से,
कैसे लिखेगा पहले वाले में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट रियल नंबर्स कॉमा, क्या करेंगे मृदुल, -3 ग्रेटर देन -3 स्मॉलर देन 0 इक्वल्स टू का साइन लगेगा, नहीं लगेगा सर, हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे में क्या करना है सर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट रियल नंबर्स, अब क्या करेंगे इसके अंदर, 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि कौन सा साइन लगा हुआ है सर, क्लोज्ड का साइन लगा। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, 6 में कौन सा साइन आ रहा है सर, 6 ग्रेटर देन एक्स, ठीक है लेस देन इक्वल्स टू 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फोर्थ वाला तो कर लियो खुद से, सिर्फ कर जल्दी से। बच्चों अगर पहला वाला क्वेश्चन देखे तो 2 3 4, अब यहाँ पे 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 3 भी हो रहा है, यहाँ पे 4 भी हो रहा है, तो ये जो 2 3 4 ये जो सेट है, ये जो है क्या बनेगा, सबसेट बनेगा इसका। तो मान लो अगर इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर बात करते हैं सर ए बी है, सर यहाँ पर ए तो नहीं है सर, सर बी है सी है, सर बी है और सी है, अब बन सकता है सर ये सबसेट बन सकता है इसका, नहीं, बिकॉज सर सबसेट बनने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सर, कम से कम वो उसके अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ए बिलोंग तो करता है, अगर मैं इसको सेट नाम दे दूँ ए और इसको नाम दे दूँ बी, तो ए जो है वो बिलोंग तो करता है किसको, ए को, लेकिन ए बिलोंग नहीं करता बेटा, किसको बिलोंग नहीं करता बेटा, बी को बिलोंग नहीं करता, जिसके वजह से दिस इज नॉट अ सबसेट। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक बच्चा है क्लास 11th का आपके ही स्कूल, और एक है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो मतलब एक जगह हो गए आपके स्कूल के सारे बच्चे, और उसके अंदर हमने एक बात करी एक 11th क्लास के बच्चे की, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, सबसेट हो गया ना, वो क्या हो गया बच्चों, सबसेट हो गया। अब देखो एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक सर्कल बना हुआ है किसके अंदर बच्चों, प्लेन के अंदर, मतलब समझते हो ना प्लेन, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या बन रखा है आपने, कोई ना कोई सर्कल बना रखा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो यहाँ पे रेडियस का कितना बता रखा है सर, मान लो 1 यूनिट का एक रेडियस होना चाहिए, और यहाँ पे रेडियस क्या नहीं है सर, डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी तो सर्कल किसी भी रेडियस का बन सकता है, और यहाँ पे किसकी बात कर रखी है सर, सिर्फ 1 यूनिट रेडियस की सर्कल की बात कर रखी है। तो बच्चों अब यहाँ पर बताओ ये वाला जो सर्कल है क्या वो इस वाले सर्कल का सबसेट होगा या नहीं होगा, सर नहीं होगा, सर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये प्रॉपरली चीजें क्या है डिफाइंड है, और यहाँ पे चीजें क्या नहीं है सर, डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं अगर मैं रेडियस को क्या कर दूं सर हटा दूं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएंगे सर, लिमिटेड हो। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स क्या है ट्राइंगल है, और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, ये सबसेट बनेगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल सबसेट बनेंगे, नहीं सर इनका कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबसेट। दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विवेलेंट ट्राइंगल इन अ प्लेन, कैसा ट्राइंगल, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ट्राइंगल क्या होता था, जिसकी तीनों साइड सेम हो, और एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, बोलो जी, इक्विवेलेंट ट्राइंगल और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो उसी प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो भैया ये भी क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ये क्या बनेगा भैया, सबसेट बनेगा। तो एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक प्लेन के अंदर हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलेंट, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द, बेटा प्लेन कौन सा है, सेम प्लेन, मतलब सेम जगह पर आपको क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल। अब यहाँ पर तो क्या है, बहुत सारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और यहाँ पर कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट ट्राइंगल, तो ये वाला जो ट्राइंगल है किस में लाई करेगा, ऑब्वियसली सर इसके अंदर लाई करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कितने सारे ट्राइंगल्स है सर, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन जाएंगे, तो ये भी जो इक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा वो इन इनफाइनाइट ट्राइंगल में से कोई एक ट्राइंगल ही तो होगा सर, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट लास्ट वाला सवाल तू बता दे, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 4 6 और इंटीजर्स, तो उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, वो सब भी आ जाते हैं, तो ये क्या बन गया भैया, अपना सबसेट बन गया।
ये क्या बन गया अपना सबसेट बन गया। ठीक है चलो अब ये क्वेश्चन नंबर टू करके दिखाओ जल्दी से, 2 मिनट फिर से आप लोगों के लिए, एक दो चीजें समझने वाली। बेटा जब भी मैं ए और बी की बात करता हूँ ना, देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो एक सेट मैंने लिखा था, जैसे अभी हमने पढ़ा था ए बी सी, है ना, एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं सर, छोटे छोटे अल्फाबेट से, और जो सेट का जो नाम होता है वो कैसे होता है, कैपिटल लेटर से। तो अगर मुझे लिखना है कि ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू किसको करता है ए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू व्हाट ए, अब बताओ ये सही है कि गलत। बेटा मैंने आपको यही तो सिखाया था ना कि ए बिलोंग्स टू क्या करना है, ए लिखना है, तो आप ऐसे लिखते हो। अब ये जब मैं कर्ली ब्रैकेट्स बना देता हूँ, बेटा अभी तो ये क्या था, एलिमेंट था, जब मैंने इसके ऊपर क्या नहीं बनाया था, कर्ली ब्रैकेट्स। जब मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, ये अपने आप में क्या बन जाता है, सेट। और मैंने क्या बोल दिया, ए जो सेट है वो क्या बिलोंग करेगा ए वाले सेट को, ये चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। जब भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, सेट ए। तो जब भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करता हूँ तो मैं वर्ड कौन सा यूज करता हूँ, सबसेट, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ये क्या बन जाता है, सबसेट। तो अगर मैंने बोला ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला ए बिलोंग्स टू व्हाट ए, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे बच्चों, दो तीन चीजें ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। अगर मैंने बोला बी बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, करेक्ट है, बिकॉज बी क्या डिनोट कर रहा है आपको, एक एलिमेंट डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर बच्चों बी के आगे मैं क्या बना दूं, कर्ली ब्रैकेट्स बना दूं, जैसे मान लो मैंने इसके बोले थे ना इसके सबसेट लिखो, तो आपने क्या लिखा था, आपने बोला था सर एक फाई होता है, एक ये खुद होता है ए बी सी, फिर आपने क्या बोला था सर इसका एक सबसेट होता है ए, एक सबसेट होता है सर बी, एक सबसेट होता है इसका सी, वगैरह वगैरह। तो बेटा ये क्या बन गए, सबसेट। तो जब भी मैंने बी के आगे क्या लगा दिया सर, कर्ली ब्रैकेट्स बना दिया, तो ये क्या बन गया, अब सेट बन गया। अब ये जो है ये सबसेट है बेटा किसका, ए का, तो ये क्या हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि दिस बी बिलोंग्स टू व्हाट ए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो यही गलती अगर हो सकता है आपने, अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, ए और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी, ए सही है कि गलत है, फॉल्स है सर, बिकॉज ये क्या है इसका सबसेट है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ए यहाँ पर भी आ रहा है और बी यहाँ पर भी आ रहा है भैया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ए और ई ये क्या है, कौन सा साइन लग, बेटा ये सेट की बात हो गई, जब भी आपने ब्रैकेट्स लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये क्या हो गया, सेट। और सेट के लिए हमेशा वर्ड कौन सा यूज करते हो तुम, सबसेट का। तो ए और ई जो सबसेट है वो वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए आई ओ का सबसेट है, यस सर, तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। अब बात करता हूं 1 2 3, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, बेटा क्यों नहीं बनेगा ये सबसेट, 2 आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा, तो इसको क्या कर देते सर, फॉल्स कर देते, इसको क्या कर दिया हमने, फॉल्स। फिर अगर हम बात करते हैं ए, अब ए के आगे क्या लग गया बेटा, क्या लग गया, ब्रैकेट्स लग गया, तो क्या बन गया, सेट बन गया। अब सेट बन गया तो वर्ड कौन सा यूज करना चाहिए था, सबसेट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी, यस सर, ये क्या हो गया सर, ट्रू हो गया सर। आप देखो ध्यान से, फिर ए के अंदर क्या लग गया, ब्रैकेट्स लग गया, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। लेकिन जब ब्रैकेट लग गया तो भैया साइन कौन सा लगना चाहिए था, सबसेट का, लेकिन साइन किसका लगा हुआ है, बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो गया सर, फॉल्स हो गया। अब एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे सर, 2 और 4, है ना, और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो सर एक 1 होता है, एक 2 होता है, 3 हो जाता है, 4 की टेबल में आ जाता है, 6 की टेबल में आ जाता है, और 8 की टेबल में आता है, नहीं 9 की टेबल में आता है, 9 4 जा, और फिर किसमें, 12 की टेबल में आ जाता है 36, फिर 36 किसकी टेबल में आ जाता है, खुद 36 की टेबल में आ जाता है ना। तो बेटा अब एक बात बताओ, 2 और 4 क्या इसका सबसेट है, यस सर, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे, नहीं ठीक है, चलो अब क्या करोगे,